हेलो एवरीवन, आज हम आए हैं असम के डिब्रूगढ़ के जगन्नाथ मंदिर में। अगर आप लोग भी जगन्नाथ मंदिर विजिट करना चाहते हैं तो गूगल मैप में मंदिर का लोकेशन मिल जाएगा। ये है मंदिर का मेन गेट। कितना खूबसूरत लग रहा है ना? मंदिरों को बहुत ही सुंदर तरीके से निर्माण किया गया है। दिए और अगरबत्ती जलाने के लिए मंदिर के ठीक आगे ही एक फिक्स्ड जगह है। एक शांत और पीसफुल एनवायरनमेंट था। यह है मेन मंदिर जो भगवान श्री जगन्नाथ जी को समर्पित है, जो लॉर्ड विष्णु के अवतार है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्ति रखे गई है। जब हम लोग गए थे तब मंदिर का मेन दरवाजा बंद था, क्योंकि कुछ दिनों के बाद रथ यात्रा होने वाला था। श्री जगन्नाथ जी की जो मेन मंदिर उड़ीसा में है, उसी की रेप्लिका है ये मंदिर। मंदिर का कैंपस बहुत अच्छी तरह से साफ रखा गया है। जब भी कभी डिब्रूगढ़ आना हुआ तो यहाँ पे जरूर आइएगा, मन शांत हो जाएगा। इस मेन मंदिर के आसपास और भी मंदिरें हैं, चलिए देखते हैं। ये है हनुमान जी की मंदिर। हमने आशीर्वाद ले लिया। इन वालों में कितनी अच्छी तरह से मूर्तियां बनाई गई है। यहाँ पे चारों तरफ घूम के बहुत अच्छा महसूस हुआ। यहाँ से मंदिर का पूरा व्यू आ रहा है, तो इसलिए मैंने थंबनेल ले लिया यहाँ पे। चलिए आगे की मंदिरें देखते हैं। तो यहाँ पे है लक्ष्मी मंदिर। अभी हम लोग हैं नवग्रह मंदिर में, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 9 ग्रहों के देवताओं की मूर्तियाँ रखी गई है और बीच में सूर्य देवता की मूर्ति रखी गई है। तो यहाँ पे है राम जी का दरबार।
ये है भगवान शिव की मंदिर। ये है गणेश जी के टेंपल। इन मंदिरों का आर्किटेक्चर वाकई में बहुत ही अप्रिशिएबल है। यह बिमला मंदिर, यहाँ पे डस्टबिन्स रखे गए हैं। यहाँ पे आके मुझे बहुत ही पॉजिटिव महसूस हुआ। कैंपस के अंदर ये कैंटीन भी है। प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। ये भगवान शिव जी के मंदिर के ऊपर का व्यू। मंदिर में जो डेली पूजा होता है उसका टाइमिंग्स यहाँ पे दिया गया है। कुछ वक्त बिताने के बाद हम लोग रिटर्न हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।